आईपीएल 2023 का आज मैच हुआ, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच। तो इस मैच को पंजाब किंग्स ने बहुत ही आसानी से जीत लिया और 12 पॉइंट में चला गया है। तो मैच खत्म होने के बाद अवार्ड सेरेमनी होती है, उसके बारे में बताएंगे। तो टियागो इबी इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच बने डेविड वार्नर, जिन्होंने 200 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी किया। उनको 1,00,000 रुपये साथ ही में एक ट्रॉफी दिया गया। ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच मिला पुरुप सिमरन सिंह को, जिन्होंने 147 फैंटेसी पॉइंट कमाए ड्रीम इलेवन में। उनको 1,00,000 रुपये साथ ही में एक ड्रीम इलेवन का ट्रॉफी दिया गया। अवार्ड नंबर 3 आया था अपस्टॉक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द मैच मिला पुरुप सिमरन सिंह को, जिन्होंने अपस्टॉक में 33 MBA पॉइंट कमाए। उनको 1,00,000 रुपये साथ ही में एक ट्रॉफी दिया गया। अपस्टॉक का रुपए ऑन द गो फोर्स का अवार्ड दिया गया पुरुप सिमरन सिंह को, जिनको 1,00,000 रुपये साथ ही में एक ट्रॉफी दिया गया। उन्होंने सबसे ज़्यादा चौके मारे इस मैच में। तो दोस्तों नेक्स्ट अवार्ड आता है विजिट सऊदी बियॉन्ड द बाउंड्री लॉन्गेस्ट सिक्स, जो इस मैच में सबसे लंबा छक्का मारा वो रहे पुरुप सिमरन सिंह, जिन्होंने 92 मीटर का छक्का मारा। उनको 1,00,000 रुपये साथ ही में एक ट्रॉफी दिया गया। हार्ड बल्लाइव एक्टिव कैच ऑफ द मैच मिला हरप्रीत बरार को, जिन्होंने इस मैच में सबसे बेहतरीन कैच लिया। उनको 1,00,000 रुपये साथ ही में एक ट्रॉफी दिया गया। हार्ड बल्लाइव का प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला पुरुप सिमरन सिंह को, जिन्होंने 103 रन बनाए। इसी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। उनको 1,00,000 रुपये साथ ही में एक ट्रॉफी दिया गया।